पिनी ने डोबी डफोड़, कितनी मीठी चाय है। चाय की प्याली में पूरा शक्कर का डब्बा ही डाल दिया है। गोपी बहू, तुम क्या सोच रही हो मैं अच्छी तरह से समझ रही हूं। जब सोच ही रही हो तो बना दो मेरे लिए चाय, लेकिन फटाफट। माँ जी, मैं सच्ची, तुम्हें क्या लगता है मैं खोटू बोलू छू? जाओ फटाफट चाय बना कर लाओ मेरे लिए। जी अभी लाई। मणि, खड़ी खड़ी क्या कर रही है? नृत्य करेगी? चल बाईड़ी, दौड़ अवे। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं मंग, इस मेहता परिवार को शादी की इतनी जल्दी पड़ गई है। नवरात्रि में घर आए और उस इलेश ने पूरे परिवार के सामने ये ऐलान कर दिया कि मैं उसे पसंद हूं। और उसकी माता श्री ने कहा जल्दी बस अब सगाई किए लेते हैं। प्लीज उमा, तुम जो कुछ करने वाले हो जल्दी करो। सब कुछ हो रहा है स्वीटहार्ट, सब कुछ। इस बारे में तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। ओके ओके। किंजल बेन, तुम यहां क्या कर रही हो? वो एक पंथ दो काच। वैसे मैं तो आपको ये बताने आई थी कि काकी जी ने मुझे आपको बताने के लिए कहा है कि आज की रस्म में वो आपको मेहंदी लगाने वाली है। चलो एक काम तो हो गया, अब दूसरा काम है मलहम लगाना। क्या? हाँ वो है ना, चोट लगती है तो दर्द भी बहुत होता है, तो बस उस दर्द को ठीक करने के लिए मलहम तो लगाना ही पड़ेगा ना, तो मैं वही करने आई थी। एक मिनट, चलो मैंने अपने लिए मलहम तो ले लिया। वैसे किंजल बेन, आप क्या समझी थी? हो गया ना तुम्हारा काम, अब चलो निकलो यहां से। अच्छा ठीक है, अभी तो यहां से मैं ही निकलूंगी, लेकिन वैसे एक बात तो है, आप इस घर से निकलेंगी तब इस घर में आपकी सबसे ज्यादा याद मुझे ही आएगी, सच्ची। पीवाओ, चाय में अदरक डाली है? जी माँ जी। माँ जी, वो मैं जाऊं? गोपीवाओ, तुम अपनी सास के पास दो घड़ी रुक नहीं सकती हो? ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, मैं तो बस क्या? मैं
ठीक छे, जाओ। और हाँ सुनो, तुमने और अहम ने डांडिया प्रतियोगिता में पुरस्कार में जो ट्रॉफी जीती है ना, उसे लेकर मेरे कमरे में आओ। मैं उस ट्रॉफी को अपनी आंखों के सामने रखूंगी। जा। हाँ। कोकिला, एक बात कहूं? कहिए ना मोटा भाभी। कोकिला, कल स्टेज पर अहम और गोपी को एक साथ देखकर आंखें उनसे हटी नहीं रही थी। कितने सुंदर, कितने आकर्षक विजयी जोड़ी लग रही थी। मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना कर रही थी कि व्यक्तिगत जीवन में भी ये ऐसे ही खुश रहे और हम बड़ों की आंखों को ठंडक पहुंचती रहे। वाह मोटा भाभी वाह, तारीफ के मखमल में जूता लपेट कर मारना तो कोई आपसे सीखे। वाह जी वाह मोटा भाभी, एक तरफ तो आप कह रही है कि क्या सुंदर जोड़ी है और दूसरी तरफ आप मेरे अहम दिख रहे और गोपी वह की जीत का मजाक उड़ाना चाहती हैं, ये कहकर कि उनकी जोड़ी ठीक नहीं है, उनका व्यक्तिगत जीवन गड़बड़ है। नहीं कोकिला, तुम मुझे गलत समझ रही हो, बल्कि आज दशहरे के शुभ अवसर पर मैंने माँ अम्बे से विशेष प्रार्थना की है कि जिस तरह अहम और गोपी ने डांडिया की प्रतियोगिता जीती है उसमें सफल रहे हैं, उसी तरह उनका शादीशुदा जीवन भी सफल रहे। सारू, मोटा भाभी, ये इतने सारे जेवरों के डिब्बे ये लेकर कहाँ जा रही हैं? ये सारे मेरे ही जेवर के डिब्बे हैं। मैं तुम्हें पूछने आ रही थी कि क्या तुम्हें अपने जेवर के डिब्बे देने हैं तो मैं ले जाऊं। क्यों, मेरे जेवरों के डिब्बे क्यों दूं? किसके लिए, कहाँ लेके जाएंगी? कोकिला, तुम जानती हो ना, अभी थोड़े ही दिनों में हमारा घर शादी का घर हो जाएगा। हाँ? मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। हम इतने हैं फिर भी सभी कामों में लगे हुए होंगे। मैं ये सोच रही थी कि इन जेवरों की जिम्मेदारी किसी को दे दी जाए जो ये संभाल सके। अब क्या है ना कि हमारी गोपी तो कामों के बोझ तरे लदी हुई होगी, तो मैं सोच रही थी कि अगर ये जेवरों की जिम्मेदारी हम राशि को दे दे तो ठीक होगा। अब क्या है ना, उसके पैरों में चोट लगी है तो वो ज्यादा भाग दौड़ तो नहीं कर पाएगी, अपने कमरे में ही होगी, तो हमारे जेवर भी संभाल लेगी।